Hey guys, welcome back to my channel. So today I'll give you some tips on improving your handwriting. So everyone's parent want that his or her child handwriting is very excellent. So I will give it some tips on improving your handwriting. So shall we start? So first point is that if you will not know that how to hold your pencil in your hand, so first learn how to hold your pencil. You have to hold your pencil like this. And you have to write like this. और अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनके words थोड़े छोटे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं. तो आपको medium size में आपके words लिखने हैं. मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस size में आपके words लिखने हैं. तो मैं अपना name लिखूँगी यहाँ पे. मेरा name है divyagana, आप सबको पता ही होगा. इस तरह के मीडियम वर्ड्स आपको लिखना है जो आपके टीचर और आपके फ्रेंड्स देख सके. तो मैंने अपना नेम लिख दिया है मीडियम हैंडराइटिंग. सो आपको इस तरह की मीडियम हैंडराइटिंग निकालनी. सो आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि वो भी आपके साथ लिखे. अगर वो आपके साथ लिखेंगे तो आप जल्दी लिखना सीखोगे और फास्ट और अच्छा लिखना सीखोगे. सो द थर्ड पॉइंट इज यू आपको अपने पेरेंट्स को बोलना है कि वो आप पे गुस्सा ना करें, आपको प्यार से बोले, आपको अच्छे से बोले कि अपनी हैंड राइटिंग अच्छे से इम्प्रूव कर सकें. थर्ड पॉइंट ये मतलब फोर्थ पॉइंट ये है कि आप है ना जब तक जल्दी मत लिखो तब तक आपको अच्छे से लिखना आ नहीं जाता. फिफ्थ पॉइंट आप अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने का डर अपने मन में मत डालो. आप अच्छे से माहौल में मस्ती मजाक के माहौल में करो. ये कोई डर की बात नहीं है. आप अपने मस्ती माहौल के अपने हिसाब से कर सकते हो ये हैंड राइटिंग. तो सिक्स पॉइंट ये है कि आप अपनी हैंड राइटिंग सुधारने की डेली प्रैक्टिस करें. मेरी मम्मा ने मेरी हैंड राइटिंग सुधारने की एक बुक आती है. आपको यूजुअली स्कूल में भी ये बुक देती होंगे आपके कोर्स के साथ. तो आप डेली हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस किया करें, उससे आपकी हैंड राइटिंग और इम्प्रूव हो जाएगी जब भी आप खाली बैठे. सेवन्थ पॉइंट ये है कि ये एक दिन की बात नहीं. आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम तो अच्छे नहीं लिखते हो, तुम तो इस तरह से. तो ये आपके पेरेंट्स को आप समझाओ कि ये एक दिन की बात नहीं, इसमें बहुत सारे डेज लगते हैं, 10, 20, 30 कितने भी. पर आप जब आप लिखते जाओगे, डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट मी यू लाइक ऑन माई वीडियो नॉट. बाय.